अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे हम यखनी पुलाव, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार होते हैं और बहुत आसानी से ये बनकर तैयार हो जाते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करें। तो यहाँ पर मैंने कुकर रख लिया है, यहाँ पर मैंने लिया है चिकन, ये 1 किलो 300 ग्राम के करीब है। इसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। चिकन हमने 1 किलो 300 ग्राम लिया है और चावल हमने लिया है बासमती राइस, कच्चा बासमती राइस लिया है, तो वो मैंने 1 किलो लिया है। आप चाहें तो बराबर की क्वांटिटी में बना सकते हैं या थोड़ा सा चिकन फालतू रख सकते हैं। तो इसको मैंने बहुत अच्छे से धो लिया है। तो जब हम गोश्त की यखनी बनाते हैं, यानी कि मीट या मटन की, तो साथ में ही हम सब कुछ डाल देते हैं, लेकिन जब हम चिकन की यखनी बनाते हैं तो सबसे पहले हम पानी को बॉईल करके तैयार करते हैं, क्योंकि चिकन जो होता है बहुत जल्दी से गल जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक कुकर रख लिया है, कुकर में हम सबसे पहले पानी ऐड कर लेंगे 1 लीटर के करीब, क्योंकि जितना यखनी का पानी तैयार होता है उतना ही जो हमारी यखनी पुलाव है बहुत अच्छे से बन के तैयार होता है, बहुत टेस्टी। तो यहाँ पे मैंने कुछ मसाले ले लिए हैं, पानी को हमने रख दिया। अब इसमें हम एक उबाल आने देंगे, हाई फ्लेम पर मैंने इसको रख दिया है, तो कवर कर देंगे ताकि पानी में जो है उबाल जल्दी से आ जाए। देखिए हमारे पानी में जो है उबाल आना शुरू हो गया है। अब यहाँ पे मैंने कुछ मसाले लिए हैं, यखनी पुलाव में बहुत ज्यादा मसाले नहीं जाते हैं, तो यहाँ पे लिया मैंने 2 टेबल स्पून भरकर साबुत धनिया और 2 टेबल स्पून भर के लिया मैंने सौंफ। ये मैंने मोटी वाली सौंफ ली है, आपके पास जो है आप वो यूज कर सकते हैं। इन दोनों चीजों को मैंने बहुत अच्छे से छन्नी में रखकर धो लिया था। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, इसका मैंने छिलका उतार लिया है। मेरे पास छोटे छोटे तेज पत्ते थे तो मैंने 5-6 ले लिए, अगर आपके पास बड़े हैं तो आप 2 ले लें। और यहाँ पर मेरे पास बड़ी सी लहसुन की गुली थी तो मैंने 1 ले ली, अगर आपके पास छोटी है तो आप 2 से 3 पीस ले लें। तो पानी हमारा अच्छे से उबलने लग गया है, तो इसमें हम ये सारे मसाले ऐड कर देंगे। ये बहुत कम मसालों के साथ बनता है लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा ही टेस्टी होता है। और 1 टेबल स्पून लिया मैंने यहाँ पर नमक, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। हर वीडियो में मैं आपसे बताती हूँ कि आप अपने पसंद के हिसाब से लें, जैसा आप पसंद करते हैं। इन सभी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से 10 मिनट के लिए उबाल लेंगे ताकि सौंफ, लहसुन, प्याज और धनिए का अरक उतर आए पानी के अंदर। और मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग वीडियो देखा करें, अगर पसंद आया करें तो प्लीज उसे लाइक जरूर कर दिया करें। आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर लाइक कोई भी नहीं करता है, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे, लाइक जरूर किया करें। देखिए हमने जो यखनी रखी थी पकने के लिए, 10 मिनट मैंने इसको पूरे पका लिया। आप देख सकते हैं जो मसाले हमने डाले थे इसका फ्लेवर अच्छे से पानी में उतर आया है। तो यहाँ पे हमने जो चिकन लिया अब इसमें हम ऐड कर देंगे, और अभी कोई भी चीज़ आप बाहर से लाते हैं जैसे फ्रूट्स है या सब्जी है तो बहुत अच्छे से वॉश करके रखें, क्योंकि जो बीमारी चल रही है बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। अल्लाह पाक इस बीमारी से हम सबको निजात दें। तो यहाँ पे मैंने सारा चिकन ऐड कर दिया है, इसको हम एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको 8 से 10 मिनट के लिए मैं और पका लूँगी। जो हमने चिकन ऐड किया है कम से कम ये हाफ टेंडर हो जाए, बाकी का हाफ टेंडर हो जाएगा जब बाकी का जो बचेगा वो चावल के साथ पक जाएगा। तो यहाँ पे मैंने चिकन को अच्छे से मिक्स कर दिया है पानी के साथ, इसको फिर से कवर कर देंगे और 8 से 10 मिनट के लिए मैं इसको मीडियम फ्लेम पर पका लूंगी। ये पुलाव जो है वो बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही आसानी से बनने वाला ये पुलाव है और खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। जो नए तरीके से खाना बनाना सीख रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही आसान रेसिपी है। और भी कई तरीके की बिरयानी और पुलाव की रेसिपी मेरे इस चैनल पे मौजूद है, आप सर्च करके देख सकते हैं। और मैंने ब्लॉग भी डाले हैं फुल रूटीन इफ्तार की और सहरी के, आप वो भी देख सकते हैं। देखिए चिकन हमारा जो है आधा गल चुका है, तो मैंने 8-10 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पर नहीं पकाया था। आपको अगर जल्दी है तो आप इसका ढक्कन कवर करके 1 सीटी बनने तक पका लें, उसके बाद में गैस की फ्लेम बंद कर दें और इसका प्रेशर निकाल दें। अगर हम इसके प्रेशर में ही छोड़ देंगे तो जो चिकन है बहुत ज़्यादा गल जाएगा। तो चिकन हमारा आधा गल चुका है, बाकी का जो है चावल के साथ पक जाएगा। तो हम इसकी जो पीस हैं वो अलग कर लेंगे पानी से।
और इसका पानी जो है वो बाद में हम छन्नी में छान लेंगे, तो जो हमने सौंफ और धनिया डाली वो अलग हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसके पीस निकाल लेंगे। पीस को मैंने अलग कर लिया है यखनी से, आप देख सकते हैं, और यखनी का पानी मैंने अलग रख लिया है। और यहाँ पे मैंने दूसरा भगोना रख लिया है, ये अच्छे से गर्म हो गया। अब इसमें हम डाल देंगे रिफाइंड ऑयल। तो तेल या घी भी आप अपने पसंद के हिसाब से, कम या ज्यादा आप जैसा पसंद करते हैं डाल सकते हैं। तो इसे हम 3 से 4 चम्मच डाल देंगे, क्योंकि किसी को तेल कम पसंद होता है, किसी को थोड़ा सा ज्यादा पसंद होता है। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 चम्मच डाल दिया है। अब इसको अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। और यहाँ पे मैंने कुछ मसाले लिए हैं, तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज की प्याज, इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। 7 से 8 हरी मिर्चें ली थी, इसको मैंने लंबाई में कट कर लिया है। और जो ये मैंने यखनी में लहसुन डाला था वो भी निकाल लिया, इसका हम गूदा निकाल के इसको इस्तेमाल कर लेंगे इसी में। कुछ मैंने साबुत मसाले लिए हैं, जिसमें मैंने लिया 3 से 4 पीस दालचीनी के टुकड़े, 2 काली इलायची ली है मैंने, 4 से 5 हरी इलायची ली है, 7 से 8 मैंने लौंग ली है, और 1 जावित्री का फूल ले लिया है आधा मैंने, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डालें, नहीं आप स्किप कर सकते हैं। और 15 से 20 मैंने साबुत काली मिर्चें ले ली हैं। तो सबसे पहले हम ये मसाले ऐड कर देंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, मसालों को हल्का सा भून जाने देंगे। और 2 टीस्पून हम डाल देंगे या 2 छोटे चम्मच सफेद जीरा। सारे मसाले हमारे अच्छे से पक गए हैं, तो यहाँ पे हमने जो प्याज ली है वो डाल देंगे। थोड़ी सी प्याज हम इसमें से बचा लेंगे ऊपर से हम तड़के के लिए। आप चाहें तो इसमें पहले प्याज ब्राउन करके थोड़ी सी प्याज निकाल लें ऊपर से गार्निशिंग के लिए, चाहे तो अलग से उसमें थोड़ा सा तड़का लगा लें, तो उससे टेस्ट जो है हमारे यखनी पुलाव का और अच्छा आ जाता है। तो प्याज को हम ब्राउन कर लेंगे, और साथ के साथ जो हरी मिर्चें ली हैं वो भी डाल देंगे। अगर थोड़ा तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं आप तो मिर्चें और बढ़ा सकते हैं। प्याज हमारे लाइट गोल्डन ब्राउन हो गई है, तो यहाँ पे हमने जो चिकन के पीस अलग किए थे वो डाल देंगे। और हाई फ्लेम पे इसकी हम भुनाई कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। और यहीं पे हमने जो लहसुन अदरक पिसा हुआ लिया है 1 खाने का चम्मच ये डाल देंगे। और जो मैंने साबुत लहसुन का यूज़ किया था उसका मैंने पल्प निकाल लिया, ये भी डाल देंगे साथ के साथ। अगर आप पिसा हुआ नहीं डालना चाहते तो खाली यही डाल सकते हैं। साथ के साथ हम इसको भी भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन भी खत्म हो जाए। 1 से 2 मिनट के लिए मैंने इसकी हाई फ्लेम पर भुनाई कर ली है। अब यहाँ पे हमारे पास जो यखनी का पानी बचा है सबसे पहले हम वो डाल देंगे छान कर। बाकी का जब हम चावल ऐड करेंगे तो देख लेंगे कितना पानी कम है, उस हिसाब से हम डाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको दबा के सारा इसका रख निकाल लिया है। तो इसमें हम पानी और डाल देंगे 1 लीटर के करीब। 1 लीटर से मैंने थोड़ा कम ही पानी डाला है। अब इसमें हम ढक्कन कवर कर देंगे और 1 उबाल आने देंगे तेज आंच पर। देखिए पानी हमारा अच्छा तेज गर्म हो गया, इसमें उबाल आना भी शुरू हो गया है। चूल्हा हमने हाई फ्लेम पर ही रखा है। अब यहाँ पे मैंने कच्चा बासमती लॉन्ग ग्रेन राइस लिया था, इसको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था वॉश करके। तो चावल हम डाल देंगे। चावल डालने के बाद में हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसका नमक चख लेंगे, उसके बाद में हम चावलों के हिसाब से नमक डालेंगे। पानी में नमक थोड़ा सा खुलता हुआ होगा तो हमारे जो चावल में है वो नमक एकदम बराबर बैठेगा, तो इसलिए चावल डालने के बाद ही नमक डालें। और पानी भी आप अपने हिसाब से डालें, क्योंकि अलग अलग चावल होते हैं, कोई ज़्यादा पुराना होता है, कुछ नया होता है, तो उसी हिसाब से चावल में पानी डाला जाता है। तो पानी भी आप अपने चावल के हिसाब से एडजस्ट करें। तो मैंने 1 लीटर पानी यखनी में डाला था, उसका पानी बचा हुआ था, और 1 लीटर से थोड़ा सा कम मैंने बाद में डाला है। एक बार इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हल्के हाथों से।
और यहीं पे हम इसका नमक टेस्ट कर लेंगे। अगर नमक हमें कम लगेगा तो मोर ऐड कर देंगे। पानी हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, चावल से इतना पानी ऊपर होना चाहिए। हम इसमें, क्योंकि हमें इसका पानी निकालना नहीं है तो हमें चावलों के हिसाब से ही नमक डालना है, तो एक खाने का चम्मच हम भर कर इसमें नमक डाल देंगे। उसके बाद हम इसको एक बार अच्छे से और मिक्स कर लेंगे, और हल्के हाथों से ही हमें मिक्स करना है। पानी में थोड़ा सा नमक खुलता हुआ है तो इसका मतलब है हमारे चावलों में जो है नमक एकदम बराबर बैठेगा, तो इसको हम कवर कर देंगे और हाई फ्लेम पर इसका पानी खुश्क होने तक हम पका लेंगे। देखिए चावल का हमारा आधा पानी सूख चुका है, आप देख सकते हैं कितने अच्छे हमारे लंबे लंबे से चावल बनके तैयार हुए हैं। तो इसका भी हमें और पानी खुश्क करना है, और हल्के हाथ से एक बार हम इसको और हिला देंगे। और आप अगर इस यखनी पुलाव में दही डालना चाहते हैं तो आप ज़रूर डालें, क्योंकि मैंने इसको बिना दही के बनाया है, और दही के साथ भी यखनी पुलाव मेरे चैनल पे दही के पुलाव यखनी पुलाव बिरयानी जो है मैंने शेयर की है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप चाहें तो आप दही डाल सकते हैं। यहाँ पर हमारे चावल बिरयानी का पानी भी एकदम खुश्क हो गया, आप देख सकते हैं, और इधर मैंने तड़का भी इसका तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून के करीब देसी घी लिया था, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल से भी लगा सकते हैं। 1 छोटा चम्मच हम इसमें सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे, इसको हल्का सा, क्योंकि तेल अच्छा गर्म है तो ज़ीरा हमारा इसमें पक जाएगा। तो ये तड़का हम लगा देंगे। अगर आप तड़का नहीं लगाना चाहते तो आप शुरू में जब प्याज ब्राउन करेंगे, जब भी थोड़ी सी इसमें से प्याज निकाल लें, लेकिन तड़का लगाने से जो हमारी यखनी पुलाव का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हम फैला देंगे, और यहाँ पे मैंने फूड कलर ले लिया है जर्दे वाला, इसको मैंने घोल के रख लिया है, ये डाल देंगे तो देखने में बहुत अच्छा लगेगा। और थोड़ी सी मैंने जूलियन कटी हुई अदरक ली है, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डालें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इसको हम रख देंगे दम पर, और जब मैंने चावल डाला था, चावल डालने के बाद से अब तक मैंने इसको हाई फ्लेम पर पकाया, अब इसका पानी जो है खुश्क हो गया है। तो यहाँ पे मैंने एक टावल लिया है, किचन टावल, आपके पास कोई भी सूती कपड़ा है तो आप वो लगा सकते हैं। इस तरीके से इसको हम कवर कर देंगे। अब इसको हम दम पे रख देंगे 8 से 10 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पर। आठ से दस मिनट हो गए थे, मैंने गैस बंद कर दी थी। इसका फाइनल लुक देख सकते हैं आप, यखनी पुलाव का हमारे एकदम दम पे आ चुका है। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि इसकी जो भाप है वो खत्म हो जाए, फिर इसको हम डिश आउट करेंगे। अगर हम एकदम गर्म चावल में चम्मच से निकालते हैं तो चावल टूटने का डर होता है, तो इसलिए साइड से ही निकालना चाहिए हमेशा। तो यहाँ पे इसको हम डिश आउट कर लेंगे, आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा सा आया है हमारे यखनी पुलाव का, और खाने में बहुत ही ज्यादा ये मजेदार बनता है, और बनाना भी बहुत आसान है इसको। इस तरीके से हम इसको डिश आउट कर लेंगे, और आप अपने पसंद के किसी भी रायते के साथ आप इसको गर्मा गर्म सर्व करें। आप इस रेसिपी को ईद वाले दिन भी बना सकते हैं, इफ्तार में भी बना सकते हैं, या जब भी आपका खाने का मन हो तब आप इसको बनाकर खा सकते हैं। तुम्हारी यखनी पुलाव बिल्कुल बहुत अच्छे से बनके तैयार हो गया है, और आप इसके चावल भी देख सकते हैं कितने खिले खिले चावल बने हैं। तो कैसी लगी मेरी आज की ये रेसिपी आपको? प्लीज अगर ये वीडियो भी आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, और आप अपने कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि हमारी रेसिपीज आपको कैसी लगती है। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।